दूसरी बार सेक्स कब करना चाहिए, इसके बारे में लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टरी पीरियड नाम का एक टर्म है, उसका मीनिंग ये होता है कि एक बार परफॉर्मेंस आप करते हैं तो दूसरा परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ समय आपको देना होगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एक बार सेक्स हो गया, रिलीज हो गया, इजैकुलेशन हो गया, उसके बाद में तुरंत इरेक्ट होना और तुरंत इजैकुलेट करना, ये कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए संभव होता है। यूजुअली यंग एज में हो सकता है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे के बाद में भी सेकंड राउंड एक पुरुष कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, बढ़ते जाती है, वैसा वैसा सेकंड राउंड करने के लिए उसको टाइम लगता है। हो सकता है कि सेकंड राउंड 6 घंटे के बाद में, 12 घंटे के बाद में, या एक दिन के बाद में, इसका मतलब एक दिन में एक बार सिर्फ, या हफ्ते भर में 7 बार कर सकता है। और जैसी उम्र बढ़ जाती है, शादी पुरानी होती है, तो फिर बाद में यूजुअली एवरेज में ऐसा पाया गया है कि लोग हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार सेक्स करते हैं, और ये नॉर्मल है। ऐसे स्टडीज में पाया गया है कि कितने बार इजैकुलेट करना चाहिए, ऐसा जब लोगों को पूछा तो लोगों का एवरेज रिस्पॉन्स ये था कि एक सप्ताह में 2 से 3 बार इजैकुलेट करना चाहिए। अभी आप सेकंड टाइम यदि करते हैं तो हो सकता है कि आपको इरेक्शन आएगा, यदि आप सिल्डेनाफिल ट्रालाजिल दवाई लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकंड टाइम इरेक्शन आ सकता है, मैनिपुलेशन मसाज करके आ सकता है, हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद में आएगा, मगर बाद में फिर सेकंड टाइम इजैकुलेशन शायद नहीं होगा, उसके लिए तकलीफ हो सकती है, वो ड्राई इजैकुलेट होगा, क्योंकि तब तक इजैकुलेशन इतना स्टिमुलेशन नहीं हुआ है कि फिर से सीमेन तैयार हो जाए, फिर से स्त्राव हो जाए और इजैकुलेशन हो जाए, तो हो सकता है कि सेकंड टाइम ड्राई हो जाएगा। और जैसे उम्र बढ़ जाती है तो उसका फिर एक थकान आती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, रोज एक रूटीन बन गया है, तो ऐसे कारणों से फिर सेकंड टाइम जल्दी होता नहीं है। जो लोग आईटी में है या दोनों भी बहुत बिजी है सुबह से रात तक, तो वो प्लान कर दे कि भी सैटरडे संडे सेक्स करना है, फिर उस समय वो 2 दिन लागू एक के पीछे एक नहीं हुआ तो फिर वो टाड़ा फिर लेते हैं ताकि 2 दिन में फिर 3 बार 4 बार जैसे भी वो कर सके, ताकि फिर एक हफ्ते में अपने अपने काम में बिजी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।